दिल्ली और बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक बहाली हुई थी उसका आज का जो दिन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिन है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है पटना हाई स्कूल में हो रहा है और पटना हाई स्कूल के बाहर का ये नज़ारा है, ये तस्वीर है, क्योंकि इनमें से कई लोग जो है वो भावी शिक्षक होने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था और बीपीएससी के द्वारा बार बार ये कहा गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, महिलाएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं पुरुष के मुकाबले। ऐसे भी कहा जाता है कि बिहार की बेटियाँ पुरुषों से आगे हैं और यहाँ पे जो बेटियाँ हैं वो देश से भी आई है। और ये भीड़ आपको अपने आप में बयां कर रही है कि क्या कुछ तस्वीरें हो सकती है। कहाँ से आई हैं? मैं यहीं पटना से। कितने बजे आए? 10 बजे। 10 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ है, व्यवस्था में दिक्कत हो रही है? अभी तो कुछ फील नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम कैसा गया? एग्ज़ाम ठीक गया था जी। हार्ड है या ईजी था पेपर? मॉडरेट, कंपेरेटिव मॉडरेट था पेपर। और बारिश की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है? अभी तो बारिश नहीं हुई है, अब आगे होगी तो देखिए। कैसा व्यवस्था है मैम, कुछ दिक्कत हो रही है? हाँ दिक्कत तो हो रही है, इन लोग को पहले से व्यवस्था रखना चाहिए था, जब कल अनाउंसमेंट हो गई थी तो। अभी हम लोग आके 10 बजे से खड़े हैं, 10 से 5 o'clock तक था तो, लेकिन यहाँ तो अभी लाइन ही लगे हैं अंदर काउंसलिंग का। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं जगदेवपद से। एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम ठीक था। हार्ड था पेपर? हार्ड नहीं, मॉडरेट ही था, ऐसा नहीं था कि हार्ड था। हाँ आप देख सकते हैं काफ़ी महिलाएं हैं और महिलाओं का योगदान कुछ ज़्यादा है। कहाँ से आई हैं? पटना से। पटना से ही आई हैं। कैसा गया था परीक्षा? एग्ज़ाम का लेवल तो थोड़ा टफ था, अब देखिए क्या होता है आगे। और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी सडनली आया है? सडनली आया है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऑल द सब्जेक्ट्स का ना एक ही दिन कर दिया है, तो इस वजह से, और बारिश का भी मौसम है तो हम लोग को इतना सफ़र करना पड़ रहा है। ज़्यादा कीचड़ भी है और सभी बच्चे सारे सब्जेक्ट के आ गए हैं, अभी तक गेट खुला भी नहीं है। खुला भी नहीं? कितने बजे से वेरिफिकेशन? ऐसे तो टाइम 10 AM से वहाँ दिखा रहा था, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं हुआ, 11:30 हो गया। भीड़ भी देख बहुत ज़्यादा। कैसा व्यवस्था की दिक्कत हो रही है? बहुत ख़राब व्यवस्था है मैम। एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम ठीक ठाक गया था। आप लोग भावी टीचर होने वाले हैं तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है? बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, 3 साल से तो स्ट्रगल ही चल रही है। लेकर अभी तक हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं, संशोधन पे संशोधन ही हो रहा है। अभी भी देखिए अचानक ही निकला है, कल ही निकला है और हम लोगों को पहुंचना पड़ा सब कुछ। इस बार बिहार के बाहर के बच्चों को भी लाया गया है तो इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, देखिए पढ़ने वाला बच्चा जो भी अपना मेरिट में लाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आने दिया जाए, कंपटीशन हो, क्या कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन। हाँ क्यों नहीं। ऐसे भी बिहार में मुझे लगता है बाहर के शिक्षकों की जरूरत है। अब पता नहीं मगर होना चाहिए कंपटीशन। उसमें कितने साल से तैयारी कर रहे थे? जी हम खुद ही पढ़ाते हैं, अभी तो कोई ऐसे तैयारी नहीं थी, मगर 2019 से जब हम लोग टेट क्लियर किए हैं तब से समझ लीजिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हो जाए शायद, मगर जब बीपीएससी ए करना शुरू किए हम लोग को तो ऐसे मौका नहीं मिला पढ़ने का। 1 महीना के अंदर ही हम लोग को कुछ सब कुछ करना था विदाउट एनी सिलेबस, तो दिक्कत तो हुआ, मगर जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं वो तो कर ही लेंगे। महिलाएं बहुत ज़्यादा दिख रही है, लग रहा है इस बार टीचर सिर्फ महिलाएं ही बनी। देना चाहिए महिलाओं को सबसे पहले। कहाँ से आई? पटना से। कैसा गया था एग्ज़ाम और क्या लग रहा है टीचर बन जाएंगे? हाँ बिल्कुल बनूंगी। और भावी टीचर है, क्या लगता है बिहार की एजुकेशन व्यवस्था चेंज होनी चाहिए? एजुकेशनल व्यवस्था तो नहीं, मैनेजमेंट सही होनी चाहिए। अच्छा के पाठक के बारे में क्या? हाँ ही इज़ डूइंग गुड जॉब। यस पहले STT के थ्रू एग्ज़ाम हो रहा था, अब BPSC के थ्रू होने लगा, कितना दिक्कत हुआ इन दोनों? दिक्कत तो नहीं है बिकॉज प्रिपरेशन हम लोग स्टेज में तो रहे हैं, बट हाँ थोड़ी हमारी उम्मीद जरूर टूटी थी कि ऑलरेडी हम मेरिट में आके और फिर से हम एग्ज़ाम देना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा बुरा तो लगा था, बट स्टिल वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड बार बार संशोधन भी हो रहा था। हाँ ये तो लास्ट मिनट तक भी हम लोग बहुत कुछ देखे हैं इसमें, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, इससे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, बट इट्स ऑल राइट, व्हेन एंड्स वेल एवरीथिंग इज़ वेल।
देखिए आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, और ये तस्वीर है पटना हाई स्कूल की, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लेकर जो लोग हैं बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षा व्यवस्था में और शिक्षक बनेंगे भावी शिक्षक वो मौजूद है। बिहार की और देश की सबसे बड़ी परीक्षा कह सकते हैं, क्योंकि लगातार 8 बार संशोधन डोमिसाइल नीति से लेके बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम, उसके बाद कई बार बहुत सारे संशोधन, और लगातार ये लोग संशोधन पे संशोधन देखते आए हैं। 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और अब जाके एग्ज़ाम दिया है, अब जाके एक उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये टीचर बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था ज़रूर सुधरेगी। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है, सहयोगी हीरा के साथ, IVTV पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।